ओम शांति। 10 फरवरी 2024 के श्री बाबा के मधुर महावाक्य, मीठे बच्चे आत्माभिमानी बनने का अभ्यास करो तो दैवी गुण आते जाएंगे, क्रिमिनल ख्यालात समाप्त हो जाएंगे, अपार खुशी रहेगी। प्रश्न: अपनी चलन को सुधारने व अपार खुशी में रहने के लिए कौन सी बात सदा स्मृति में रखनी है? उत्तर: सदा स्मृति रहे कि हम दैवी स्वराज्य स्थापन कर रहे हैं, हम मृत्यु लोक को छोड़ अमर लोक में जा रहे हैं। इससे बहुत खुशी रहेगी, चलन भी सुधरती जाएगी, क्योंकि अमर लोक नई दुनिया में जाने के लिए दैवी गुण जरूर चाहिए। स्वराज्य के लिए बहुतों का कल्याण भी करना पड़े, सबको रास्ता बताना पड़े। ओम शांति। बच्चों को अपने को यहाँ का नहीं समझना चाहिए। तुमको मालूम हुआ है, हमारा जो राज्य था, जिसको राम राज्य व सूर्यवंशी राज्य कहते हैं, उसमें कितनी सुख शांति थी। अब हम फिर से देवता बन रहे हैं, आगे भी बने थे। हम ही सर्वगुण संपन्न डॉट 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 दैवी गुण वाले थे। हम अपने राज्य में थे, अभी रावण राज्य में हैं। हम अपने राज्य में बहुत सुखी थे, तो अंदर में बहुत खुशी और निश्चय होना चाहिए, क्योंकि तुम फिर से अपनी राजधानी में जा रहे हो। रावण ने तुम्हारा राज्य छीन लिया है। तुम जानते हो, हमारा अपना सूर्यवंशी राज्य था, हम राम राज्य के थे, हम ही दैवी गुण वाले थे, हम ही बहुत सुखी थे। फिर रावण ने हमारा राज्य भाग्य छीन लिया। अब बाप आकर अपना और पराए का राज समझाते हैं। आधा कल्प हम राम राज्य में थे, फिर आधा कल्प हम रावण राज्य में रहे। बच्चों को हर बात का निश्चय हो तो खुशी में रहें और चलन भी सुधरे। अब पराए राज्य में हम बहुत दुखी हैं। हिंदू भारतवासी समझते हैं, हम पराए अर्थात फॉरेन राज्य में दुखी थे, अब सुखी हैं अपने राज्य में। परंतु यह है अल्पकाल का गुविष्ठा समान सुख। तुम बच्चे अभी सदा काल के सुख की दुनिया में जा रहे हो, तो तुम बच्चों को अंदर बहुत खुशी रहनी चाहिए। ज्ञान में नहीं है तो जैसे ठिक्कर पत्थर बुद्धि है। तुम बच्चे जानते हो, हम अवश्य अपना राज्य लेंगे, इसमें तकलीफ की कोई बात नहीं। राज्य लिया था, फिर आधा कल्प राज्य किया, फिर रावण ने हमारी कला काया ही चट कर दी। कोई अच्छे बच्चे की जब चलन बिगड़ जाती है तो कहा जाता है, तुम्हारी कला काया चट हो गई है क्या? ये है बेहद की बातें। समझना चाहिए, माया ने हमारी कला काया चट कर दी। हम गिरते ही आए, अब बेहद का बाप दैवी गुण सिखलाते हैं। तो खुशी का पारा चढ़ना चाहिए। टीचर नॉलेज देते हैं तो स्टूडेंट को खुशी होती है। ये है बेहद की नॉलेज। अपने को देखना है, मेरे में कोई आसुरी गुण तो नहीं है। संपूर्ण नहीं बनेंगे तो सजाएं खानी पड़ेंगी, परंतु हम सजाएं खाएं ही क्यों? इसलिए बाप जिससे यह राज्य मिलता है उसको याद करना है। दैवी गुण तो हमारे में थे, वे अब धारण करने हैं। वहां यथा राजा रानी तथा प्रजा सब में दैवी गुण थे। दैवी गुणों को तो समझते होना, अगर कोई समझते नहीं तो लाएंगे कैसे? गाते भी हैं सर्वगुण संपन्न डॉट डॉट डॉट, तो पुरुषार्थ कर ऐसा बनना है। बनने में मेहनत लगती है, क्रिमिनल आई हो जाती है। बाप कहते हैं अपने को आत्मा समझो तो क्रिमिनल ख्यालात उड़ जाएंगे। युक्तियां तो बाप बहुत समझाते हैं, जिसमें दैवी गुण हैं उनको देवता कहा जाता है, जिनमें नहीं है उनको मनुष्य कहा जाता है। हैं तो दोनों ही मनुष्य,
परंतु देवताओं को पूजते क्यों हैं? क्योंकि उनमें दैवी गुण हैं और उनके अर्थात मनुष्यों के कर्तव्य बंदर जैसे हैं। कितना आपस में लड़ाई झगड़ा आदि करते हैं। सतयुग में ऐसी बातें होती नहीं, यहाँ तो होती हैं। जरूर अपनी भूल होती है तो सहन करना पड़ता है। आत्माभिमानी नहीं है तो सहन करना पड़ता है। तुम जितना आत्माभिमानी बनते जाएंगे उतने दैवी गुण भी धारण होंगे। अपनी जांच करनी है कि हमारे में दैवी गुण हैं। बाप सुखदाता है तो बच्चों का काम है सबको सुख देना। अपने दिल से पूछना है कि हम किसको दुख तो नहीं देते हैं, परंतु कोई कोई की आदत होती है जो दुख देने बगैर रह नहीं सकते, बिल्कुल सुधरते नहीं। जैसे जेल बर्ड्स, वे जेल में ही अपने को सुखी समझते हैं। बाप कहते हैं, वहां तो जेल आदि होता ही नहीं। पाप होता ही नहीं जो जेल में जाना पड़े। यहाँ जेल में सजाएं भोगनी पड़ती हैं। अभी तुम समझते हो, हम जब अपने राज्य में थे तो बहुत साहूकार थे। जो ब्राह्मण कुल वाले होंगे वे ऐसे ही समझेंगे कि हम अपना राज्य स्थापन कर रहे हैं। वह एक ही हमारा राज्य था जिसको देवताओं का राज्य कहा जाता है। आत्मा को जब ज्ञान मिलता है तो खुशी होती है। जीवात्मा जरूर कहना पड़े। हम जीव आत्मा जब देवी देवता धर्म की थी तो सारे विश्व पर हमारा राज्य था। ये नॉलेज है तुम्हारे लिए। भारतवासी थोड़े ही समझते हैं कि हमारा राज्य था, हम भी सतो प्रधान थे। तुम ही ये सारी नॉलेज समझते हो, तो हम ही देवता थे और हमको ही अब बनना है। भल विघ्न भी पड़ते हैं, परंतु तुम्हारी दिन प्रतिदिन उन्नति होती जाएगी। तुम्हारा नाम बाला होता जाएगा। सब समझेंगे ये अच्छी संस्था है, अच्छा काम कर रहे हैं। रास्ता भी बहुत सहज बताते हैं। कहते हैं तुम ही सतो प्रधान थे, देवता थे, अपनी राजधानी में थे, अब तमो प्रधान बने हो। और तो कोई अपने को रावण राज्य में समझते नहीं है। तुम जानते हो हम कितने स्वच्छ थे, अब तुच्छ बने हैं। पुनर्जन्म लेते लेते पारस बुद्धि से पत्थर बुद्धि बन पड़े हैं। अब हम अपना राज्य स्थापन कर रहे हैं, तो तुमको उछलना चाहिए, पुरुषार्थ में लग जाना चाहिए। जो कल्प पहले लगे होंगे वे अब भी लगेंगे जरूर। नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार हम अपना दैवी राज्य स्थापन कर रहे हैं। ये भी तुम घड़ी घड़ी भूल जाते हो, नहीं तो अंदर बहुत खुशी रहनी चाहिए। एक दो को यही याद दिलाओ कि मन मना भव। बाप को याद करो जिससे ही अब राजाई लेते हैं। ये कोई नई बात नहीं है। कल्प कल्प हमको बाप श्रीमत देते हैं जिससे हम दैवी गुण धारण करते हैं। नहीं तो सजाएं खा कर फिर कम पद लेंगे। ये बड़ी भारी लॉटरी है। अब पुरुषार्थ कर ऊंच पद पाया तो कल्प कल्पांतर पाते ही रहेंगे। बाप कितना सहज समझाते हैं। प्रदर्शनी में भी यही समझाते रहो कि तुम भारतवासी ही देवताओं की राजधानी के थे। फिर पुनर्जन्म लेते लेते सीढ़ी नीचे उतरते उतरते ऐसे बने हो। कितना सहज समझाते हैं। सुप्रीम बाप, सुप्रीम टीचर, सुप्रीम गुरु है ना। तुम कितने ढेर स्टूडेंट हो, दौड़ी लगाते रहते हो। बाबा भी लिस्ट मंगाते रहते हैं। कितने निर्विकारी पवित्र बने हैं। बच्चों को समझाया गया है कि भ्रिकुटी के बीच में आत्मा चमकती है। बाप कहते हैं, मैं भी यहाँ आकर बैठता हूँ, अपना पाठ बजाता हूँ। मेरा पाठ ही है पतितों को पावन बनाना, ज्ञान सागर हूँ। बच्चे पैदा होते हैं, कोई तो बहुत अच्छे होते हैं, कोई खराब भी निकल पड़ते हैं। फिर आश्चर्यवत सुनंती कथंती भागंती हो जाते हैं।
अरे माया, तुम कितनी प्रबल हो, फिर भी बाप कहते हैं भागंती होकर भी कहाँ जाएंगे। यही एक बाप तारने वाला है, एक बाप है सदगति दाता, बाकी इस ज्ञान को कोई तो बिल्कुल जानते ही नहीं। जिसने कल्प पहले माना है वही मानेंगे। इसमें अपनी चलन को बहुत सुधारना पड़ता है, सर्विस करनी पड़ती है, बहुतों का कल्याण करना है, बहुतों को जाकर रास्ता बताना है, बहुत बहुत मीठी जुबान से समझाना है कि तुम भारतवासी ही विश्व के मालिक थे। अब फिर तुम इस प्रकार से अपना राज्य ले सकते हो, ये तो तुम समझते हो बाप जो समझाते हैं ऐसा कोई समझा ना सके। फिर भी चलते चलते माया से हार खा लेते हैं। बाप खुद कहते हैं विकारों पर जीत पाने से ही तुम जगत जीत बनेंगे। ये देवताएं जगत जीत बने हैं, जरूर उन्होंने ऐसा कर्म किया है। बाप ने कर्मों की गति भी बताई है। रावण राज्य में कर्म विकर्म ही होते हैं, राम राज्य में कर्म अकर्म होते हैं। मूल बात है काम पर जीत पाकर जगत जीत बनने की। बाप को याद करो, अब वापस घर जाना है। हमको 100% सर्टेन है कि हम अपना राज्य लेकर ही छोड़ेंगे, परंतु राज्य यहाँ नहीं करेंगे। यहाँ राज्य लेते हैं, राज्य करेंगे अमर लोक में। अब मृत्यु लोक और अमर लोक के बीच में है, ये भी भूल जाते हैं, इसलिए बाप घड़ी घड़ी याद दिलाते हैं। अब ये पक्का निश्चय है कि हम अपनी राजधानी में जाएंगे। ये पुरानी राजधानी खत्म जरूर होनी है। अब नई दुनिया में जाने के लिए दैवी गुण जरूर धारण करने हैं, अपने से बातें करनी है, अपने को आत्मा समझना है, क्योंकि अभी ही हमको वापस जाना है। तो अपने को आत्मा भी अभी ही समझना है, फिर कभी वापस थोड़े ही जाना है। जो ये ज्ञान मिलेगा वहां पांच विकार ही नहीं होंगे जो हम योग लगाएंगे। योग तो इस समय लगाना होता है पावन बनने के लिए, वहां तो सब सुधरे हुए हैं। फिर धीरे धीरे कला कम होती जाती है, ये तो बहुत सहज है। क्रोध भी किसको दुख देता है ना, मुख्य है देह अभिमान। वहां तो देह अभिमान होता ही नहीं, आत्माभिमानी होने से क्रिमिनल आई नहीं रहती, सिविल आई बन जाती है। रावण राज्य में क्रिमिनल आई बन जाती है। तुम जानते हो हम अपने राज्य में बहुत सुखी रहते हैं, कोई काम नहीं, कोई क्रोध नहीं। इस पर शुरू का गीत भी बना हुआ है। वहां ये विकार होते नहीं, हमारी अनेक बार ये हार और जीत हुई है। सतयुग से कलयुग तक जो कुछ हुआ वह फिर रिपीट होना है। बाप अथवा टीचर के पास जो नॉलेज है वह तुमको सुनाते रहते हैं। ये रूहानी टीचर भी वंडरफुल है, ऊंचे से ऊंचा भगवान, ऊंचे से ऊंचा टीचर भी है, और हमको भी ऊंचे से ऊंचा देवता बनाते हैं। तुम खुद देख रहे हो बाप कैसे डीटीज़म स्थापन कर रहे हैं, तुम खुद ही देवता बन रहे हो। अभी तो सभी अपने को हिंदू कहते रहते हैं, उन्हों को भी समझाया जाता है कि वास्तव में आदि सनातन देवी देवता धर्म है और सबका धर्म चलता रहता है। ये एक ही देवी देवता धर्म है जो त्रायलोप हो गया है, ये तो बहुत पवित्र धर्म है। इन जैसा पवित्र धर्म कोई होता नहीं। अब पवित्र ना होने कारण कोई भी अपने को देवता नहीं कहला सकते हैं। तुम समझा सकते हो कि हम आदि सनातन देवी देवता धर्म के थे, तब तो देवताओं को पूजते हैं। क्राइस्ट को पूजने वाले क्रिश्चियन ठहरे, बुद्ध को पूजने वाले बौद्ध ही ठहरे, देवताओं को पूजने वाले देवता ठहरे, फिर अपने को हिंदू क्यों कहलाते हो? युक्ति से समझाना है, सिर्फ कहेंगे हिंदू धर्म धर्म नहीं है,
तो बिगड़ेंगे। बोलो हिंदू आदि सनातन धर्म के थे तो कुछ समझें कि आदि सनातन धर्म तो कोई हिंदू नहीं है। आदि सनातन अक्षर ठीक है, देवता पवित्र थे, ये अपवित्र हैं, इसलिए अपने को देवता नहीं कहला सकते हैं। कल्प कल्प ऐसे होता है, इनके राज्य में कितने साहूकार थे, अब तो कंगाल बन पड़े हैं। वे पद्मापद्म पति थे, बाप युक्तियां बहुत अच्छी देते हैं। पूछा जाता है तुम सतयुग में रहने वाले हो या कलयुग में, कलयुग के हो तो जरूर नरकवासी हो, सतयुग में रहने वाले तो स्वर्गवासी देवता होंगे। ऐसा प्रश्न पूछेंगे तो समझेंगे कि प्रश्न पूछने वाला जरूर खुद ट्रांसफर कर देवता बना सकते होंगे, और तो कोई पूछ नहीं सकते। वह भक्ति मार्ग ही अलग है, भक्ति का फल क्या है, वह है ज्ञान। सतयुग त्रेता में भक्ति होती नहीं, ज्ञान से आधा कल्प दिन, भक्ति से आधा कल्प रात। मानने वाले होंगे तो मानेंगे, ना मानने वाले तो ज्ञान को भी नहीं मानेंगे, तो भक्ति को भी नहीं मानेंगे, सिर्फ पैसा कमाना ही जानते हैं। तुम बच्चे तो योग बल से अब राजाई स्थापन कर रहे हो श्रीमत पर, फिर आधा कल्प के बाद राज्य गंवाते भी हो, ये चक्र चलता ही रहता है। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलत है बच्चों प्रति, मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग, रूहानी बाप की, रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की, रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग नमस्ते और शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार, पहला पॉइंट, बहुतों का कल्याण करने के लिए अपनी जुबान बहुत मीठी बनानी है, मीठी जुबान से सर्विस करनी है, सहनशील बनना है। दूसरा पॉइंट, कर्मों की गहन गति को समझ विकारों पर जीत पानी है, जगत जीत देवता बनना है, आत्मभिमानी बन क्रिमिनल दृष्टि को सिविल बनाना है। वरदान, श्रेष्ठ कर्म द्वारा दिव्य गुण रूपी प्रभु प्रसाद बांटने वाले फरिश्ता सुदेवता भव। स्पष्टीकरण, वर्तमान समय चाहे अज्ञानी आत्माएं हैं चाहे ब्राह्मण आत्माएं हैं, दोनों को आवश्यकता गुणदान की है, तो अब इस विधि को स्वयं में व ब्राह्मण परिवार में तीव्र बनाओ। ये दिव्य गुण सबसे श्रेष्ठ प्रभु प्रसाद है, इस प्रसाद को खूब बांटो, जैसे स्नेह की निशानी एक दो को टोली खिलाते हो, ऐसे दिव्य गुणों की टोली खिलाओ, तो इस विधि से फरिश्ता सुदेवता बनने का लक्ष्य सहज सब में प्रत्यक्ष दिखाई देगा। स्लोगन, योग रूपी कवच को पहन कर रखो तो माया रूपी दुश्मन वार नहीं कर सकता। ओम शांति।